अभी आपको ये तो पता ही होगा कि पूरे वर्ल्ड में सिलिकॉन चिप्स की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, हर कंपनी को ये चाहिए लेकिन अभी मिल नहीं रही है, क्योंकि ये हर चीज में इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, गाड़ियों में, काफी सारी चीजों में सब लगती है। इसकी वजह से मारुति सुजुकी कंपनी को अपने सितंबर मंथ की प्रोडक्शन 60% कम करनी पड़ी है क्योंकि चिप्स नहीं है उनके पास। तो इसकी कमी क्यों आई? नंबर वन रीजन इज लॉकडाउन। जब से हर जगह लॉकडाउन लगा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा ही बढ़ गई, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, इतनी तेज बढ़ गई। इसीलिए डिमांड बढ़ गई, सप्लाई नहीं बढ़ पाई, क्योंकि सप्लाई बढ़ाने के लिए काफी सारा पैसा लगता है। ये ऐसा नहीं कि आपने मशीन को ज्यादा चला दिया, उसने बहुत सारी सिलिकॉन चिप्स बना दी, इतनी आसानी से इसकी सप्लाई नहीं बढ़ती, बड़े प्रिसाइज तरीके से बनाई जाती है। इसीलिए इसकी सप्लाई ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल के जनवरी तक जाके थोड़ी बढ़ेगी, तब जाके चीजें थोड़ी नॉर्मल हो पाएंगी। तो लेट्स सी तब तक इनका काम कैसे चलता है।